और इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली हुई बैठक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो कल ताजा तस्वीर सामने आई, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की। अब ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा आज दिल्ली में करेंगे और क्या आगामी लोकसभा चुनाव में एमएनएस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है, इस पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था क्योंकि उनके चलने बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट, यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे। और शिवसेना ने ये बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। और फिर इन्हीं 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहब ठाकरे का ये दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था। और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हर जिले हर कस्बे में बाला साहब ठाकरे की बातों को मंच से पहुंचाते थे। और कहा जाता है कि यही बात तब की शिवसेना के नेताओं को खलने लगी, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा था कि अगर राज ठाकरे को न रोका गया तो बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना पर उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। और बाला साहब ठाकरे के दौर में शिवसेना की दूसरी लाइन के नेता राज ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे। और कहा जाता है इसी वजह से राज ठाकरे को जितना हो सके रैलियों में व्यस्त रखा जाता था, और जब टिकट बंटवारे की बात आती थी तो शिवसेना के यही नेता राज ठाकरे और उनके समर्थकों को ठेंगा दिखा देते थे। लेकिन राज ठाकरे को ये बात समझने में काफी वक्त लग गया। शिवसेना के नेताओं को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर उन्हें राज ठाकरे को रेस से हटाना है तो उन्हें ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को ही पिक्चर में लाना होगा, और उनकी इसी प्लानिंग के तहत उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम आगे आया। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उद्धव कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के नेताओं ने बाला साहेब ठाकरे को उद्धव के लिए मना लिया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को यह भरोसा दिलाया कि शिवसेना को नए ढंग से चलाने का काम सिर्फ उद्धव ही कर सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे तो हूबहू बाला साहेब ठाकरे की तरह ही पार्टी को चलाना चाहते थे। इस पर भी बड़ी बात यह थी कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भतीजे थे जबकि उद्धव उनके अपने बेटे थे। माना जाता है कि एक वजह यह भी रही कि बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे के ऊपर अपने बेटे उद्धव को चुना। और जब बात किसी एक को चुनने की आई तो राज ठाकरे को झटका लग गया। इसके आसार तो महाराष्ट्र में 1999 में हुए विधानसभा चुनाव से दिखने लगे थे। शिवसेना में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दो धड़े साफ साफ नजर आने लगे थे, लेकिन 2002 में BMC यानी मुंबई के नगर निगम के चुनाव में ये खटास खुलकर सामने आ गई थी। और राज ठाकरे ने अपने चाचा और भाई के खिलाफ बगावत कर दी। और खबर बंगाल से, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बंगाल में हिंसा की पहली घटना हुई है। कूच बिहार के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के सिर में चोट भी लगी है। खबरों के मुताबिक उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी वहां से निशित प्रमाणिक का कारवा गुजर रहा था, और इस दौरान दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। झड़प के बाद इलाके में तनाव है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने DGP से घटना की रिपोर्ट मांगी है। इसी ताक में बैठे थे। 2002 में राज ठाकरे ने तेवर दिखाया और अगले ही साल उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब जिस कुर्सी के लिए राज ठाकरे ने अपने तलवे घिसे, बाला साहब ठाकरे ने उस कुर्सी पर अपने बेटे को बिठा दिया।
और कहा जाता है कि इसी बात ने राज ठाकरे के सब्र का बांध तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और ठाकरे परिवार की खटपट बढ़ती ही चली गई। इसके बाद साल आया 2005 जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया और अगले साल यानी 2006 में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना नाम की एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और तब उन्होंने ये दावा भी किया था कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। मतलब इशारों इशारों में उन्होंने उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगा दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बालासाहेब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहां तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बालासाहेब ठाकरे भी नहीं जीतवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बालासाहेब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। हालांकि बालासाहेब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते ही केंद्र में एनडीए के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। और फिर कुछ साल बाद उनसे उनके पिता की पार्टी यानी शिवसेना भी छिन गई और इस काम को अंजाम दिया सालों से शिवसेना के सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने। बदायूं में दो नाबालिग भाइयों की बेरहमी से हत्या के बाद बवाल। हत्या के आरोपी साजिद का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पूरे इलाके में भारी तनाव।